सीडीएस विपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पत्नी समेत 14 लोग थे सवार, 4 शव बरामद। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे, 7 लोग जख्मी हुए हैं, वहीं 4 शव बरामद हुए हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर एसएल लीडर लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सीडीएस विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है, यहाँ सीडीएस रावत का लेक्चर था। वह सुलूर से कुन्नूर जा रहा था, लौटकर कुन्नूर आ रहे थे। यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगलों में यह हादसा हो गया। हालांकि अभी तक आर्मी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।